सो हे गाइस यार, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। आज की इस वीडियो के अंदर अपन लोग बात करने वाले हैं अपने फ्री फायर के अपकमिंग इवेंट एंड अपडेट के बारे में। जैसे कि यार अपना फ्री फायर अनबैन कब होगा वो पता चल चुका है, और अनबैन स्पेशल गेम के अंदर एक इवेंट आएगा जिसके अंदर से तुम्हें यार लिटरली बहुत ही मस्त मस्त से रिवॉर्ड फ्री में मिलने वाले हैं। वाह क्या सीन है। बात करेंगे चार प्रोफाइल एनिमेशन के बारे में जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। मोस्ट डिमांडिंग बनी बंडल इवेंट कब आएगा उसके बारे में बात करेंगे। पिंक डायमंड स्टोर इवेंट इस जन्म में आएगा या फिर अगले जन्म का वेट करना पड़ेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। हम सबका फेवरेट कोबरा बंडल के रिगार्डिंग भी बहुत ही सारी अपडेट है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सबसे पहले बात करते हैं आज के टू नाइट अपडेट की। तो कल हमारे गेम के अंदर आने वाला है एक न्यू टॉप अप इवेंट, और टॉप अप इवेंट का आप लोग ऑफिशियली बैनर देख सकते हो। ये टॉप अप इवेंट सिर्फ 100 डायमंड का होगा, और 100 डायमंड के टॉप अप करने के बदले में आपको क्रोमा ट्विस्ट ट्विस्ट इमोट फ्री में मिलने वाला है। टॉप अप इवेंट के सिवाय कल अपने गेम के अंदर न्यू अगस्त मंथ का बुया पास आ जाएगा, और साथ में बुया पास का टोकन विल भी आ जाएगा। टोकन विल के अंदर से बुया पास निकालने से ज्यादा अच्छा है कि यार डायरेक्ट बुया पास को परचेस कर लो, क्योंकि यार इस मंथ तो भाई बुया पास टोकन विल में बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो गया था। यह था आज का टूनेट अपडेट। आई होप कि ये वाली जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। अब मैं जो तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ ना, उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक वक्त था जब गैस हम लोग 5 क्लासिक मैच खेलते थे ना, ठीक है, तो भी एक रेयर चांस होता था कि हमें मैच के अंदर साइलेंसर मिले। लेकिन मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि भाई अगर 5 मैच खेलते हैं ना, तो कम से कम 3 मैच के अंदर तुम्हें साइलेंसर मिलेगा ही। लेकिन ये छोड़ो भाई, इससे भी गजब की बात ये है कि OB41 अपडेट के बाद साइलेंसर यार वेंडिंग मशीन में अवेलेबल कर दिया जाएगा। अपडेट के बाद तो हर लोग भाई साइलेंसर खरीद पाएंगे और यार उसका यूज कर पाएंगे, तो यार पता कैसे चलेगा कि कौन सा बंदा कहां से मार रहा है। देखो यार, ऐसा तो मैं तुम्हें कंफर्म कहता हूँ कि भाई अपडेट के बाद है ना गेम थोड़ा सा डिसबैलेंस तो जरूर होगा। अब यार AC-80 हो और उसके ऊपर भाई साइलेंसर लगा हुआ हो, फिर तो भाई खेल खत्म। बाकी यार इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। अपडेट के बाद फिनिशिंग मोड आने वाला है जिसके बारे में आप सबको पता होगा, लेकिन मैंने आपको बोला था कि ये जो फिनिशिंग मोड है वो सिर्फ कटाना के ऊपर ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। OB41 अपडेट के बाद अगर आपके पास कोई भी मिली वेपन है, ठीक है, बैट है, पैन है, कटाना है, तो भी ये फिनिशिंग मोड आएगा। एनिमी को नॉक करने के बाद अगर उसे फिनिश करना है तो थोड़ी बहुत यार गोलियां वेस्ट करनी पड़ती है, लेकिन यार इस फिनिशिंग मोड का यूज करके भाई एक ही बार में एनिमी का काम तमाम। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। 4 ऐसे मस्त से प्रोफाइल एनिमेशन जो बहुत टाइम से अपने इंडियन सर्वर में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है अपना अचीवर स्टेप्स जो कि आप लोग देख सकते हो। ये तो भाई बहुत टाइम पहले अपने इंडियन सर्वर में एड हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। फिर अपना नेक्स्ट प्रोफाइल एनिमेशन है स्पॉटलाइट ग्रूवर, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये भी यार बहुत टाइम से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। स्पॉटलाइट ग्रूवर यार प्रोफाइल एनिमेशन तो एकदम बहुत ही बढ़िया सा है, लेकिन भाई पता नहीं यार घर ना इसे अपने इंडियन सर्वर में कब देगा। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा तो ये बुलेट मास्टर प्रोफाइल एनिमेशन लगा है ना भाई, एकदम एरर वाला। स्टार्टिंग की जो इसकी एंट्री है ना एरर वाली, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी है ना। बाकी का जो इसका फायर का एनिमेशन है ना, ये भी बहुत ही बढ़िया सा है। लास्ट अपना पेंडिंग प्रोफाइल एनिमेशन ज़िगज़ैगर है, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये भी भाई बहुत ही ओवर पावर है, लेकिन तीनों प्रोफाइल एनिमेशन के मुकाबले ये कुछ ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। ये थे 4 प्रोफाइल एनिमेशन जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग में पड़े हुए हैं। पॉसिबल है कि OB41 अपडेट के बाद गरना इसे किसी ना किसी इवेंट में दे दे।
मजा आया। आई होप कि ये वाली जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो बात करते हैं अपने पिंक डायमंड इवेंट के बारे में। जब हमारी गेम के अंदर 6th एनिवर्सरी इवेंट स्टार्ट हुआ था, तब भाई बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी कि यार अगस्त मंथ में अपना पिंक डायमंड स्टोर इवेंट 100% जरूर रिटर्न में आएगा। लेकिन थोड़े ही दिनों पहले पता चला कि 6th एनिवर्सरी का इवेंट खत्म हो चुका है और अगस्त मंथ में इसका पार्ट 2 वगैरह कुछ भी नहीं आने वाला। तो यार 6th एनिवर्सरी इवेंट के साथ अपना पिंक डायमंड स्टोर इवेंट भी चला गया। अब चांस नहीं है कि तुम्हें अगस्त मंथ में देखने को मिले। बाकी यार OB41 अपडेट के बाद रैंपेज इवेंट और बुया इवेंट जैसे मेगा इवेंट स्टार्ट हो रहे है, तो भाई क्या पता कि उस टाइम पे आ जाए। अभी का अपडेट यही है कि भाई पिंक डायमंड स्टोर इवेंट नहीं आने वाला, लेकिन अगर फ्यूचर में आने वाला होगा तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। हो तो यार वक्त आ चुका है अपनी एक फ्री फायर की गजब सी मीम देखने का। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाई तुम इतना गेम खेलते हो, घर वाले कुछ नहीं बोलते क्या? मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूँ। यार देखो मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है, ठीक है? मेरे भाई परिवार वालों ने मेरे को बहुत कुटा है जब भी मैं गेम खेलता था ना। तब अगर आपको भी गालियां पड़ी है, कुटाई हुई है आपकी गेम खेलते वक्त, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पे नहीं हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बात करते हैं कि अपने 3 कलरफुल बनी बंडल जो पेंडिंग में पड़े हुए है वो अपने इंडियन सर्वर में कब आएंगे। बहुत ही सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये 3 बनी बंडल अपने टोकन विल में आएंगे। हाँ बात कुछ हद तक सही है, लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा हाई चांस है कि अपने ये तीनों बने बंडल तुम्हें किसी ना किसी वेब इवेंट में देखने को मिले। जैसे अपना अभी अभी ओल्ड बनी बंडल और ब्लैक बनी बंडल का वेब इवेंट आया ना, ठीक है? कुछ इस टाइप सा देखने को मिल सकता है। और रही बात की कब आएगा, तो ये आएगा अपने OB41 अपडेट के बाद। और ऐसा भी हो सकता है कि इस इवेंट का आने का वेट करते करते अपना सितंबर मंथ भी आ जाए, क्योंकि गाइस अभी तो यार इतने सारे इवेंट पेंडिंग में पड़े हुए हैं और बीच में घर ना यार अपना बनी बंडल का वेब इवेंट दे दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। बाकी आप लोग अपडेट आने का वेट कर लो, फिर बहुत ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आई होप कि ये वाली जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो बात करते हैं कि अपना फ्री फायर अनबैन कब होगा और कौन से रिवॉर्ड फ्री में मिलेंगे। पॉसिबल है अपने फ्री फायर के OB41 अपडेट के बाद यानी 10 अगस्त से अपना फ्री फायर अनबैन हो जाए, लेकिन अगस्त मंथ में अनबैन नहीं होता, प्ले स्टोर पे नहीं आता, तो भाई सितंबर मंथ में बहुत ही ज्यादा हाई चांस है, 99% चांस है कि अपना फ्री फायर अनबैन हो जाए और अपने प्ले स्टोर पे रिटर्न में आ जाए। यहाँ पे देखो एक भाई ने बहुत ही मस्त सा कमेंट करा है कि FF अनबैन हिंट मिल चुका है, जैसे कि एडवांस सर्वर में एज वेरिफिकेशन और सेटिंग में जो अपना विजुअल इफेक्ट होता है ना, वहाँ पे भी नो ब्लड का ऑप्शन डाल दिया है। हेडशॉट का डैमेज भाई रेड कलर का नहीं अब से येलो कलर का होगा और बॉडी शॉट पे भाई येलो के जगह पे व्हाइट कलर का एनिमेशन शो होगा। अब यार इतनी सारी हिंट मिल चुकी है तो भाई एक बात तो कन्फर्म है कि अपना फ्री फायर जल्द अनबैन होगा। जब अपना फ्री फायर अनबैन होके प्ले स्टोर पे आएगा ना, तो उस टाइम पे आपको एक गजब सा मस्त सा इवेंट देखने को मिलेगा। इवेंट इसीलिए आएगा ताकि लोग यार वापस से फ्री फायर को डाउनलोड करें और वापस से लोग फ्री फायर को खेले। इवेंट के अंदर आपको गरना अच्छे अच्छे बंडल देगा, लेजेंडरी गन स्किन देगा, है ना, ताकि भाई आप लोग वापस से फ्री फायर को डाउनलोड करो। ठीक ऐसा ही इवेंट जब अपना फ्री फायर मैक्स लॉन्च हुआ था ना, तब आया था, ठीक है? आपको पता होगा। और एक चीज की भाई, जैसे ही अपना फ्री फायर अनबैन होगा ना, अपने को वापस से स्पोर्ट और रिडीम कोड वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि रैंपेज इवेंट जब स्टार्ट हो तो अपने को रिडीम कोड का गिव अवे हो, है ना, तो भाई बहुत मजा आएगा।
आएगा। रैम्पेज 3.0 इवेंट में आपको पता होगा गरेना ने इंस्टाग्राम पे रिडीम कोड का गिवअवे किया था। आई होप कि ये वाली जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट अपडेट के बारे में, बात करते हैं कि अपना कोबरा बंडल रिटर्न में आएगा या फिर नहीं। रैम्पेज इवेंट के दौरान अपना रैम्पेज ईवो बंडल रिटर्न में आएगा, ये कुछ हद तक कंफर्म हो चुका है। तो वैसे ऐसा हो सकता है कि आपको अपना कोबरा बंडल कुछ वक्त के लिए रिटर्न में देखने को ना मिले। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि रिटर्न में देखने को नहीं मिलेगा। गरेना को पैसे कमाने हैं तो भाई वो रिटर्न में जरूर देगा, लेकिन अब चांस बन रहा है कि भाई नवंबर या फिर दिसंबर मंथ में आ जाए, ठीक है। बाकी तो भाई इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियली कंफर्म अपडेट नहीं है। बाकी गाइस, OB41 अपडेट के बाद कौन सी लेजेंडरी आइटम आएगी वो तुम्हें जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो, और OB41 अपडेट के बाद इन गेम कौन कौन से चेंजेस होंगे वो तुम्हें जानना है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।